अरविंद केजरीवाल के दो विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से हाथापाई की कोशिश की। जिस वक्त ये सब हुआ, अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे। रात करीब 12 बजे केजरीवाल के घर पर कोई खास बैठक थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उसी बैठक में विधायकों ने हंगामा किया। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली सचिवालय में सभी ब्यूरोक्रेट्स की बैठक बुलाई, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि तीखी नोकझोंक हुई लेकिन हाथापाई की बात गलत है। जिस विधायक पर हाथापाई का आरोप है उसने भी इसे झूठा बताया है। जब मैंने और हमारे विधायकों ने यह सवाल पूछा तो वो झुर्रा गए। वो कहने लगे कि मैं आपके प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है, मेरी प्रति जवाब एलजी के प्रति है। तो ये बात कहते हुए बाहर चले गए। हमारे कुछ विधायकों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की कि भाई आप रुक जाइए, मत जाइए, बात करके जाइए, तो लेकिन वो नहीं माने, वो चले गए। आप खुद ही बताइए कि एक मुख्यमंत्री अपने घर पर चीफ सेक्रेटरी को इसलिए बुलाया गया उसकी बदतमीजी हो, उसके साथ में बेइज्जती की जाए उसकी, तो ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। इस तरह का कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से हाथापाई के आरोप के बाद दिल्ली के सभी ब्यूरोक्रेट्स आरोपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सभी ब्यूरोक्रेट्स कुछ देर पहले उपराज्यपाल से मिले, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी विधायक माफी नहीं मांगते तब तक वो दफ्तर तो जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। आईएएस एसोसिएशन के साथ दिल्ली पुलिस एसोसिएशन ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा में कर्मचारियों ने आम आदमी पार्टी नेताओं का घेराव किया। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली सचिवालय में मौजूद है। एलजी साहब से निवेदन करके आए हैं कि ये जो दिल्ली के ब्यूरोक्रेटिक हेड है उन पे जो एजॉल्ट हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसा है, इसमें तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने का माहौल नहीं है। इस तरह की जो घटना है कर्मचारियों के खिलाफ, मैन हैंडलिंग, गाली गुप्तारी, ये सब ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। मैंने 30 साल की नौकरी में ऐसे कभी नहीं सुना कि सीएम बुला के सीएस को वहां बदतमीजी के सामने मौजूदगी में उसके बुलाए आदमी बदतमीजी करें। योगी सरकार बनने के बाद करीब 80 अपराधी खुद कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 9 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने एनकाउंटर के डर से अपनी जमानत रद्द करा ली। शामली में हत्या के आरोपी ने सरेंडर किया और हाथ जोड़कर कहा कि वो अपना एनकाउंटर नहीं चाहता है और सरेंडर करना चाहता है। वहीं ग्रेटर नोएडा के कासना में 25,000 के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। संजय नाम के बदमाश पर बीजेपी के एक नेता से रंगदारी मांगने का आरोप था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का डर होना जरूरी है। रिस्पॉन्स टाइम को जितना कम कर सके उतने ही प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने में भी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो ऐसे तत्व हैं जिन्हें समाज में शांति या विकास पसंद नहीं, जो सुशासन और विकास में विश्वास नहीं करते, उनके मन में पुलिस का भय आवश्यक है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची की घर की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जयपुरिया सनराइज सोसाइटी में 10वें फ्लोर पर मनीष का परिवार रहता था। उनकी 4 साल की बेटी मायरा 10वें फ्लोर पर घर की बालकनी से झांक रही थी। बच्ची बालकनी में रखी कुर्सी के ऊपर चढ़ गई। उसने मोजे पहन रखे थे
जिसकी वजह से कुर्सी से उसका पैर फिसल गया, 10वीं मंजिल से नीचे गिर गई और अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हादसे के वक्त उसके पिता दुकान में थे और माँ अपने पार्लर गई हुई थी। जितनी भी जो है बालकनीज हैं, तीन बेडरूम में करीब तीन बालकनी होती, दो बेडरूम में करीब दो बालकनी होती, उनको कवर करें, जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको कवर करें, और क्या कहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। और इस घटना, ये मेरे हिसाब से पूरे 10 साल में, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ये पहली घटना है, और इस घटना के बाद सभी को इतना दुख हुआ है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक में, वहां पारंपरिक कपड़ों में मंदिर गए और पूजा की, आशीर्वाद लिया। चुनावी रैली में कर्नाटक के सीएम पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, कहा कि देश भर में बीजेपी के 1470 से ज्यादा चुने हुए विधायक हैं और उनकी पार्टी कर्नाटक में भी बदलाव लाना चाहती है। बीजेपी का काम करने का एक अलग तरीका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे 11 करोड़ सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको मालूम है कि चुनाव जिताने की ताकत मेरे सामने बैठे हुए नवशक्ति सम्मेलन के कार्यकर्ता के अंदर एक अलग वर्किंग कल्चर है, एक अलग कार्य संस्कृति है। बाकी सभी पार्टियां नेताओं के आधार पर, सरकार के कामों के आधार पर चुनाव में जाती है। हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी का है, वो हमारे लिए गौरव की बात है। देश में होली मनाए जाने से भले ही अभी कुछ वक्त है, लेकिन मथुरा में होली अभी से शुरू हो गई। मथुरा के गुरु शरणादन के आश्रम में पारंपरिक होली खेली गई। फूलों के साथ लठमार होली खेलने सैकड़ों भक्त शामिल हुए। 87 साल से इस आश्रम में इसी तरह होली का आयोजन होता है। जयपुर में कार ने बाइक सवार और ठेले वालों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी 180 डिग्री घूम गई और सामने से आ रही बाइक और सड़क किनारे खड़े ठेले वाले से जा टकराई। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक ड्राइवर तेजी से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता को 6,20,00,000 लौटाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रजनीकांत की पत्नी कब तक पैसे लौटाएंगी, इसकी तारीख बताएं। एक कंपनी ने शिकायत की थी कि रजनीकांत की एनिमेटेड फिल्म को फाइनेंस किया था और उसके बदले डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिलने वाले थे, लेकिन रजनीकांत की पत्नी ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसी और को दे दिए। बधिरों के लिए बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।